एमएनएस न्यूज लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। हाई कोर्ट ने साकुली से विधायक राजेश काचिवार की सदस्य रद्द की। पुलिस का खबरी होने के शक में नक्सलियों ने पुलिस पाटिल को मौत के घाट उतारा। बच्चियों समेत मां को जिंदा जलाकर मार डाला। अब खबरें विस्तार से। साकोली से बीजेपी विधायक राजेश काचिवार की जीत को हाई कोर्ट ने अवैध ठहराया है। नियमों के उल्लंघन के चलते बीजेपी विधायक की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। राजेश ने वर्ष 2014 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और जीता था। उस चुनाव में राजेश ने वर्ष 2014 में बीजेपी की टिकट को चुनाव जीता। सबूतों के आधार पर सही पाते हुए अदालत ने सदस्य रद्द करने का फैसला सुनाया। पुलिस का खबरी होने के शक में नक्सलियों में फिर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। घटना मंगलवार रात की है। जिले की एटापल्ली के नारानूर गांव की है। मोदी गावंडे घर में परिवार के साथ सो रहे थे, तभी अचानक झुंड में आए कई नक्सलियों ने उनके घर में दाबिश दी। नक्सलियों ने घर में घुसकर बाहर निकालकर उनको मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद नक्सलियों की तरफ से चिट्ठी भी छोड़े गई। कुदरा थाना क्षेत्र के सिसवार गांव में देर रात तक एक महिला और दो बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला। मृतक के परिजन ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट चुकी। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।